एक्सएम स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएस 2023 अमीन कलर कोड एएसओ। आज का टॉपिक है आप लोग को संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किन किन दो देशों के बीच आप लोग को अभ्यास कराया गया और कौन कौन सा जगह पर कराया गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्या हम लोग कि सातवां अजय वॉरियर जो 2023 ये क्या संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये किन किन देशों के बीच हुआ था, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था और कहाँ पर आयोजित किया गया था, यूके में आयोजित किया गया था। एक दूसरा है आप लोग को अभ्यास INIOCHOS 2023 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये आप लोग किन जगह पर किया गया था, या ग्रीस में कराया गया था। एक आप लोग का है कॉप इंडिया 2023 ये किन किन देशों के बीच हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, याद किया अर्जन सिंह जो पानगढ़ और आप लोग को आगरा। ये आप लोग अगला चलिए क्या है कि दसवां सिलिनेक्स जो है ना भारत और श्रीलंका के बीच ये आप लोग को हुआ था सैन्य अभ्यास और ये कहाँ पे हुआ था, कोलंबो में हुआ था। एक अगला पढ़ेंगे एफिनडेक्स 2023 ये किनके बीच हुआ था, भारत जो और अफ्रीकी महाद्वीप 23 देशों के बीच आयोजित किया गया था और ये कहाँ पे हुआ था, याद है पुणे में आयोजित किया गया था। अगला क्या है फिनजैक्स जो है ना आप लोग भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था और ये आप लोग किस स्थान पर हुआ था, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था आयोजित। एक हम लोग पढ़ेंगे अगला कोंकण एक्स जो एक्सरसाइज हम लोग 2023 ये भारत और यूके के बीच फिर हुआ था, ये कहाँ पे याद रखा, अरब सागर में कोंकण तट पे थे, याद है कोंकण तट पे हुआ था, इसी का नाम इस अभ्यास का नाम रखा गया कोंकण एक्सरसाइज। एक हम लोग पढ़ेंगे कि 13वां बोल्ट क्रूक्षेत्र जो 2023 जो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था, जो हम लोग जिस कहाँ पर हुआ था याद रखें, जोधपुर सैन्य स्टेशन जो राजस्थान में है। अगला क्या पढ़ेंगे ला पेरोस जो 3rd एक्सरसाइज 2023 बहुराष्ट्रीय देशों के बीच हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। एक अगला पढ़ेंगे सैन्यू मैत्री अभ्यास, ये याद रखें सैन्यों का नाम ही है, तो भारत और जापान के बीच हुआ था और जापान के क्या कोमात्सू में हुआ था। चलिए अगला चलते हैं हम लोग क्या है क्या है कि एक पढ़ेंगे हम दस्तलीक जो 4 है एक्सरसाइज 2023 ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, ये कहाँ उत्तराखंड में, याद है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, याद रखना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था ये अभ्यास। अगला अभ्यास हम लोग कब पढ़ेंगे धर्म गार्जियन जो 4 एक्सरसाइज 2023 है ये भारत और जापान के बीच हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, तो जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजारत में। क्या है तर्कस 6 एक्सरसाइज 2023 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, याद है चेन्नई में आयोजित किया गया था। एक आप लोग हम पढ़ेंगे पहला साइक्लोन जो 1st है एक्सरसाइज जो आप लोग भारत और मिस्र के बीच हुआ था, ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्या है वीर गार्जियन अभ्यास 2022 ये भारत और जापान के बीच हुआ था, ये आप लोगों को कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को जापान के में हुआ था। और ये मैं आप लोगों को देखिए 22 और 23 को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला एग्जाम जो है ना अधिकतर आप लोगों को 22 और 23 का अभ्यास पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्या 21वां वरुण अभ्यास 2023 ये किसके बीच हुआ था, याद रखना भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, ये कहाँ पर पश्चिमी घाट तट पर हुआ था। अगला क्या 12वां अग्नि वॉरियर 2022 भारत और सिंगापुर के बाद था, ये कहाँ पर याद रखना महाराष्ट्र के अंतर्गत हुआ था। अगला देखिए क्या अभ्यास आप लोग 7वां संगम अभ्यास 2022 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और ये कहाँ पर था गोवा में, कहाँ पर हुआ था याद क्या, ये आप लोग को आयोजित किया गया था गोवा के अंतर्गत। 6वां कांजित अभ्यास 2022 ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था जो कहाँ पर हुआ था मेघालय के उमरोई में, याद क्या मेघालय के उमरोई में हुआ था। अगला हम लोग पढ़ेंगे 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 ये किसके बीच हुआ था, याद रखना भारत और नेपाल के बीच हुआ था और ये इसमें कहाँ पे नेपाल के अंतर्गत ये आप लोगों को आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्या हम लोग देखिए क्या 8वां हिरोम शक्ति अभ्यास 2022 ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ था, ये कहाँ पे याद रखना मलेशिया में हुआ था। अगला पढ़ेंगे हम लोग 8वां गुरु शक्ति अभ्यास जो 2022 में हुआ था आप लोग याद रखें किसके बीच हुआ था, याद रखें गुरु शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, ये याद रखें इंडोनेशिया के करावांग में आप लोग को इसका आयोजित कराया गया था। अगला क्या देखिए चलते हम लोग पढ़ते हैं 13वां नसीम अल बहर जो 2022 ये भारत और ओमान के बीच हुआ था, ये ओमान के तट पे, कहाँ पे, तो ओमान के तट पे आयोजित कराया गया था। एक पढ़ेंगे 1st आस्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, नाम ही है 1st आस्ट्रा हिंद, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, ये कहाँ पर हुआ था राजस्थान के अंतर्गत हुआ था। एक हम लोग पढ़ेंगे समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित कराया गया था। अगला क्या हम लोग पढ़ेंगे 26वां मालाबार या युद्ध अभ्यास 2022 ये कहाँ हुआ था, बहुपक्षीय जो जापान के योकोसुका द्वीप के पास हुआ था। इसमें एक पढ़ेंगे हम लोग 1st IMT त्रिलात अभ्यास 2022 ये किसके बीच हुआ था, तो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ था, ये कहाँ पे आयोजित किया था, तंजानिया में आयोजित कराया गया था। एक हम लोग सिम्बेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है 29वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2022 ये सिंगापुर और भारत के बीच हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल की खाड़ी या विशाखापट्टनम में आयोजित कराया जाता है।
अगला एक पढ़ेंगे हम लोग कि सातवां गुरु अभ्यास 2022, ये भारत और फ्रांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सातवां गुरु अभ्यास 2022 किसके बीच हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, और यहाँ कहाँ पे कराया गया था, जोधपुर वायुसेना स्टेशन पे कराया गया था। अगला हम पढ़ेंगे 18वां युद्ध अभ्यास 2022, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ये ओली जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ पे आपको आयोजित कराया गया था। एक पढ़ेंगे टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022, ये किसके बीच हुआ था, याद रखें भारत अमेरिका बीच और विशाखापट्टनम इसको आयोजित कराया गया था। एक पढ़ेंगे हम लोग 7वां इप्सामार अभ्यास 2022, ये भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका बीच हुआ था, और याद रखिए कहा दक्षिण अफ्रीका के आप लोग पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ था। और लास्ट हम लोग पढ़ें जिपमैक्स 6 जो 2022, ये जापान और भारत के बीच हुआ था, कहाँ पर याद आयोजित कराया गया था, याद है बंगाल की खाड़ी में आयोजित कराया गया था। एक बार हम लोग क्या करते हैं इसको फिर से क्या करते हैं फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, इसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक मार्क दिए हैं और इस इंपॉर्टेंट को हम लेकर फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक आप लोगों को बताया है कि अभ्यास INIOCHOS 2023 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास, याद रखें जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ना, अभ्यास INIOCHOS 2023 ये किन किन देशों के बीच हुआ था, बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था और अलग देशों के बीच हुआ था, ये किस स्थान पर आयोजित कराया गया था, याद है ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पे। अगला क्या है एक हम लोग को इंपॉर्टेंट है कॉप इंडिया, याद रखना कॉप इंडिया ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, किन किन देशों के बीच हुआ था, याद रखना भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ये किस स्थान पर, याद है अर्जन सिंह पानगढ़ और कलाई कुंडा जो आगरा में स्थित है वहाँ पे आयोजित कराया गया था। एक इंपॉर्टेंट है अफिनडेक्स, ये अफिनडेक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और किसके बीच हुआ था, अफ्रीकी महाद्वीप जो 23 देश है उस दोनों के बीच क्या हुआ था आयोजित कराया गया था, ये कहाँ पर आयोजित कराया गया था, पुणे, कहाँ पर, तो पुणे में आयोजित कराया गया था। एक याद रखना हम लोग फिनजेक्स, फिनजेक्स जो क्या है भारत और फ्रांस, याद है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, याद रखना तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। एक हम लोग पढ़ेंगे क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट है ला पेरोस 3rd एक्सरसाइज 2023, ये बहुराष्ट्रीय, याद रखें जो बहुराष्ट्रीय है वो ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में कहाँ हुआ था, याद रखें आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ था। पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट कौन है पहला साइक्लोन, याद रखना पहला साइक्लोन जो फर्स्ट आप लोग साइक्लोन है एक्सरसाइज 2023 ये किसके बीच हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहला साइक्लोन एक्सरसाइज 2023 ये भारत और मिस्र किसके बीच, भारत और मिस्र के बीच हुआ था और कहाँ पर आयोजित कराए थे राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखें कहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर में ये आयोजित कराया गया था। एक हम लोग पढ़ेंगे एकेस्मा जो वरुण अभ्यास 2023 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकिस्मा वरुण अभ्यास 2023 ये भारत और फ्रांस के बीच होता है हमेशा और पश्चिमी घाटी कहां पे होता है आयोजित कराया था, पश्चिमी घाटी में आयोजित कराया जाता है। 29वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2022, ये सिम्बेक्स का नाम ही है सिंगापुर और भारत, ये किन देशों के बीच आयोजित कराया जाता है, सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित कराया जाता है और ये कहां पे आयोजित कराया जाता है बंगाल की खाड़ी, कहां पे बंगाल की खाड़ी जो विशाखा और या तो विशाखापट्टनम में आयोजित कराया जाता है। एक और पढ़ेंगे 7वां गुरु अभ्यास 2022, ये देखना 7वां गुरु अभ्यास 2022 ये भारत और फ्रांस के बीच होता है और कहाँ पे हुआ था जोधपुर वायुसेना स्टेशन पे हुआ था। एक हम लोग पढ़ेंगे 18वां युद्ध अभ्यास 2022 ये किसके बीच हुआ था, याद रखना भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और ये कहाँ पे आयोजित कराया जाता है ओली उत्तराखंड में स्थित है, ओली वहाँ पे आयोजित कराया जाता है कि 18वां युद्ध अभ्यास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वां युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच हमेशा होता है और ये कहाँ पे आयोजित कराया जाता है 2022 में ओली उत्तराखंड में कराया गया था। एक इंपॉर्टेंट है जीमैक्स 6ठा जो है ना 2022 ये किसके बीच हुआ था, भारत और जापान के बीच हमेशा आप लोगों को अभ्यास आयोजित कराया जाता है और ये कहाँ पे होता है याद है बंगाल की खाड़ी में, याद है कहाँ पे आयोजित कराया था, याद है बंगाल की खाड़ी में इसे आयोजित कराया गया था। इतना इंपॉर्टेंट अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं किसी भी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आप लोग को आएगा। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।